दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको सरकार की एक ऐसी योजना की जानकारी देने वाला हूं जो कि 5 मार्च 2023 को प्रारंभ की गई है। सरकार इस योजना के माध्यम से प्रदेश की 23 से 60 वर्ष की उम्र की बीच की सभी महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करेंगी। यानी प्रदेश की 23 से 60 वर्ष की उम्र की बीच की सभी महिलाओं को सरकार एक वर्ष में 12000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। सरकार का उद्देश्य है कि इस योजना के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपए की प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करके उन्हें सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने में कुछ सहयोग मिल सकेगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इस योजना पर आपको पूरी जानकारी दें कि इसकी पात्रता शर्तें क्या है, किन महिलाओं को इस योजना के माध्यम से 1000 रुपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता मिल सकेगी, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इसका कहाँ पर आवेदन करना होगा, पूरी जानकारी दें। उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सरकार के द्वारा प्रदेश की महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से लाडली बहना योजना का शुभारंभ किया गया है जो कि 5 मार्च को कर दिया गया है। इस लाडली बहना योजना के माध्यम से प्रदेश की सभी विवाहित 23 से 60 वर्ष की उम्र की बीच की महिलाओं को सरकार 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान करेगी। वहीं साल में इन सभी महिलाओं को 12000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान हो सकेगी। और अगर हम बात करें इस योजना की कब तक चलेगी तो सरकार ने फिलहाल इसे 5 वर्ष के लिए लागू किया है। यानी 5 वर्ष तक इन सभी महिलाओं को जिनकी उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच में है और जो विवाहित है, फिर चाहे वो तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो या फिर परित्यक्ता हो, कुल मिलाकर के अगर महिला विवाहित है तो उसके बाद उनकी उम्र अगर 23 से 60 वर्ष के बीच में है तो ऐसी सभी महिलाओं को सरकार 1000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रतिमाह प्रदान करेगी और यह राशि उनके बैंक खाते में प्रत्येक महीने के 10 तारीख को ट्रांसफर कर दी जाएगी। दोस्तों बात करें इसकी पात्रता शर्तों की तो दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, इसमें जो पहली पात्रता शर्त है वो ये है कि महिला विवाहित होनी चाहिए, उनकी उम्र 23 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी 1 जनवरी 2023 को वो 23 वर्ष से कम न हो और 1 जनवरी 2023 को वो 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसी सभी महिलाएं इस योजना में शामिल हो सकती हैं। दोस्तों दूसरी शर्त यह है कि आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, आपके परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए यानी आयकरदाता नहीं होना चाहिए, आपके परिवार की जो कुल जमीन है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए और जो चौथी शर्त है वो यह है कि आपके पास में या आपके परिवार में 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल है। अगर ये शर्तें आप पूरा करते हैं, अब अगर हम परिवार की बात करें कि एक परिवार किसे माना जाएगा तो पति पत्नी और उनके जो बच्चे होंगे जो कि नाबालिग होंगे, ऐसे एक परिवार में सम्मिलित किए जाएंगे। तो अगर इन शर्तों को आप पूरा करते हैं तब आप लाडली बहना योजना के लिए एलिजिबल होंगे। वहीं यहां पर एक क्लाज और जोड़ा गया है कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार का कर्मचारी नहीं होना चाहिए, आपके परिवार का कोई भी सदस्य राजनीतिक पद पर नहीं होना चाहिए जैसे कि मंत्री हो गया, सांसद, विधायक, सरपंच, चेयरमैन, पार्षद, मेयर, इस तरह के किसी भी राजनीतिक पद पर आपके परिवार का कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर इन स्थितियों को आप पूरा करते हैं, इन सभी मानकों को आप पूरा करते हैं तभी आपके परिवार की जो भी महिलाएं 23 से 60 वर्ष के बीच में हैं वो लाडली बहना योजना के लिए पात्र मानी जाएंगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपके पास में सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। पहला डॉक्यूमेंट है आपका आधार कार्ड जिसमें मोबाइल नंबर रजिस्टर होना जरूरी है, दूसरा है आपका समग्र ID और तीसरा है आपका बैंक पासबुक जो कि DBT इनेबल होना आवश्यक है। आपका एक बैंक खाता होना चाहिए जो कि NPCI से लिंक होना आवश्यक है। दोस्तों अगर आपका बैंक खाता NPCI से लिंक नहीं होगा तब भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने पहले ही कह रखा है कि इस योजना का लाभ DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में दिया जाएगा। यानी आपका बैंक खाता NPCI से लिंक होना आवश्यक है तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, पैसा DBT के माध्यम से ट्रांसफर किया जाएगा यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। तो अगर आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं, DBT इनेबल नहीं है तब भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इसमें 100% आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक होना आवश्यक है और आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना भी आवश्यक है। दोस्तों यही 3 डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। अब बात कर लेते हैं कि इसका आवेदन कब और कैसे करना है। दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं तो आप कैसे करा सकते हैं, इस पर वीडियो मैं बहुत सारे बना चुका हूं अपने इसी चैनल पर और हमारा जो दूसरा चैनल है PM किसान इन्फो उस चैनल पर भी बना रखे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे उन वीडियोज को नहीं देखा तो जाकर के जरूर देखिएगा। आप 2 मिनट में घर बैठे अपने बैंक अकाउंट को NPCI से कैसे लिंक कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अगर अभी तक आपने लाडली बहना योजना का आवेदन नहीं किया है या फिर कर दिया है तो आप सभी को चेक कर लेना आवश्यक है। आपको एक बार UIDAI की साइट पर जाना है, वहां पर चेक कर लेना है कि आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है या नहीं है।
इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएंगे कि आप NPCI लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें। इस पर मैंने दो दिन पहले ही अपने दोनों चैनल पर वीडियो डाला है, चाहे बैंकिंग इन्फॉर्मेशन हो या फिर PM किसान इन्फो हो, इन दोनों चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा कि आप कैसे चेक करें कि आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक है या नहीं है। अगर नहीं लिंक है तो आप घर बैठे कैसे कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस मैंने उन वीडियोज में बता रखा है। तो दोस्तों ये होना आवश्यक है, अगर आपका बैंक अकाउंट NPCI से लिंक नहीं है तब भी आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका आवेदन आपको कब और कैसे करना है। तो दोस्तों हम मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए हैं, आपके पास में सिर्फ ये तीन डॉक्यूमेंट होने चाहिए। बात करें आवेदन की तो इसका आवेदन पूर्णतया ऑफलाइन है। ऐसी जानकारी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने 5 मार्च को जब इस योजना का शुभारंभ किया था तभी उन्होंने दे दिया था। उन्होंने कहा था इसकी जो आवेदन है वो 25 मार्च से शुरू होकर के 30 अप्रैल तक किए जाएंगे, यानी गांव-गांव में कैंप लगाए जाएंगे। पूरे मध्य प्रदेश में गांव-गांव और शहर-शहर अधिकारियों के द्वारा कैंप लगाए जाएंगे और उन कैंप में अधिकारी आएंगे, वहां पर आपको पहुंचना होगा। वहां पर आपको अपना समग्र आईडी कार्ड, अपना आधार कार्ड और अपनी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, ये तीन डाक और अपना एक मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार कार्ड में रजिस्टर है, ये सभी चीजें ले जाकर के आपको उस कैंप में जाना होगा। वहां पर आपका फॉर्म फिल कर लिया जाएगा। बस दोस्तों इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। 31 मई को अंतिम इसकी सूची जारी होगी और 10 जून को पैसा खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दोस्तों यह जो धनराशि होगी प्रतिमाह 10 तारीख को सभी महिलाओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना प्रदेश की महिलाओं को सशक्त व आत्मनिर्भर बनाने में काफी मदद करेगी, क्योंकि सरकार उनकी प्रतिमाह 1,000 रुपए की आर्थिक मदद करेगी। साल में उन्हें 12,000 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से मिल सकेगी। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग इस लाडली बहना योजना को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे, आवेदन कब करना है, कैसे करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों अगर फिर भी कोई सवाल है आपके मन में तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। आप सभी के सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।